Hey guys, welcome to my new vlog. यहाँ पर पीछे मेरे रायल भाई GTA 5 खेल रहे हैं। उनका आज एग्जाम था। एग्जाम कैसा गया? एक नंबर गया। एक नंबर गया। अरे भाई जब कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? अरे यार एग्जाम कौन से सब्जेक्ट का था? एग्जाम एग्जाम गाइस था मैथ्स का। मैथ्स का कैसा गया? एक नंबर। एक नंबर फुल मार्क्स आएंगे? फुल मार्क्स पक्की बात? हाँ ठीक है भैया। तो रायल भाई का एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। अब देखते हैं पीटीएम में इनका क्या हाल होता है। और यहाँ पर हमारे रायल भाई GTA 5 में थॉर बन चुके हैं। फ्रैंकलिन को रायल ने थॉर बना दिया और आयरन मैन को मारे आ रहा है। क्या कर रहा है भैया? मर गया वो, मर गया। एक और बुलाता हूँ गाइस। यहाँ पर रायल भाई ने आयरन मैन से लड़ेंगे। अब ये रायल में फ्रैंकलिन में थॉर की पावर्स आ चुकी हैं। वो आ गया, अब रायल पिटेगा। अब ये फ्रैंकलिन की आग लग गई। लो रायल पिटने लगे, पिटने लगे। मारो। और बहुत शानदार, क्या बात है रायल। और खतरनाक, छोड़ूंगा आराम से आराम से। मुझे कैसे मारा तूने? रायल ने दो दो आयरन मैन को इतना मारा कि दोनों आयरन मैन कैसे पड़ोगे। एक तो अपने पैर को ऊपर करके यूं हाथ से पकड़ा हुआ है। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप देखना। yeah! ये है थॉर का मोड फ्रैंकलिन के अंदर। क्या बात है, वेरी गुड। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ छत पे थोड़ा सुकून लेने। हालांकि बहुत, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है छत पे और बहुत सुकून मिल रहा है। हालांकि धूप भी हो रही है पर हवा इतनी तेज है, हवा इतनी ठंडी भी है कि सुकून मिल रहा है। धूप में भी मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर फिर भी ये धूप है तो गर्मी थोड़ी थोड़ी तो लग रही है, पर हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो इसलिए अपन थोड़ी देर छत पे ही रुके हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब रोज़े में सबसे सुकून मिलता है जब हवा बदन पे पड़ती है ना और आपका रोज़ा हो, तो बहुत ही सुकून मिलता है। और धूप तो बहुत ही ख़तरनाक होने लगी। एकदम जैसी मैंने बोला कि धूप पड़ने रही, वैसी धूप पड़ने लगी। धूप लगता है बुरा मान गई मेरी बात का। और इतनी तेज़ एकदम से धूप हो गई, इतनी तेज़ गर्मी लगने लगी एकदम से। वो भी लगता है गर्मी इस साल बहुत ख़तरनाक पड़ने वाली है। मतलब एकदम चेहरे पे पड़ने लगी। तो अपन चलते सीधा घर अब जल्दी। छत पर से तो आ गए थे घर और फिर असर की नमाज का टाइम हो गया था तो मैं असर की नमाज पढ़ने चला गया था। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, यानी कि अफ्तार का टाइम हो गया और यहाँ पर अफ्तारी भी निकल चुकी है। तो अपन लोग जल्दी से अफ्तार कर लेते हैं और फिर अफ्तार और मगरिब की नमाज के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और मैं आ चुका हूँ नदीम के पास। यहाँ पर नदीम के स्नूकर पे था अभी। अब नदीम के साथ जा रहा हूँ तरावी पढ़ने के बाद। सीधा मैं नदीम के पास आ गया था क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था। अब नदीम भाई हमारी बोरियत दूर करेंगे। भाई कहाँ लेके आ रहा हूँ? कहीं नहीं तो कहाँ लेके आ रहा हूँ भाई मुझे इसे उठा के? हैं, पता चलेगा। ओके लेट्स सी नदीम भाई कहाँ लेके जा रहे हैं। चलो भाई। भाई याद है नदीम भाई, अपन रातों को ऐसे घूमा करते थे यहाँ पर भाई, बहुत मजे आते थे हम लोग। यहाँ ये पूरी हमारी कॉलोनी है, हम लोग यहाँ रात रात को घूमा करते थे और यहाँ छुपते थे गाड़ियों के नीचे छुपते थे। लिटरली नीचे अंदर यहाँ पर घुसकर यहाँ छुपते थे यार। भाई कैसी हरकतें करते थे यार नदीम भाई। अपन बहुत खराब हरकतें। तो अभी मैं नदीम के घर हूँ और हम लोग हमारी पुरानी फोटोज और वीडियोस देख रहे हैं। और लिटरली हमने सबसे फनीएस्ट वीडियो यहाँ फाइंड करी है जो भी आपको दिखाऊंगा वो नदीम के फोन में। नदीम भाई वो वीडियो दिखाना करो। तो तुम दोनों को तुम्हारी लंका से कुत्तों की तरह घसीट के ले जाऊंगा। अगर जिगर की जगह और जिगर में दम तो रोक ले आके। हम गुंडे भाई क्या कर पाऊंगे। ये गुंडे, ये बैठे हुए गुंडे भाई। ये तो देखो, जब हम गंजे होकर आए थे मेयर मुदम्मिल, ये टकला देख लो। साले तुमने बत्ती दे दी थी, ये बोलते कि मैंने मुजम्मिल ने हम लोगों ने डिसाइड करा था। हम तीनों गंजों के आए थे तो सुबह सुबह हम लोग चले गए, संडे का दिन था। ये तो भग गए अपनी नानी के घर, हम और मुजम्मिल गए गंजों के आ गए और फिर ऐसा हाल हो गया था। बहुत शानदार, बहुत ही। ये नदीम भाई को देखो आप, ये स्मार्ट। नहीं ऐसा नहीं दिखाते, गंदी बात होती है। अच्छा अच्छा बेटा। तो नदीम के घर से आ गए थे मैं अपने घर वापस और आके थोड़ी देर सो गए थे। अब हो रहा है टाइम रात के 4 हो गए। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और सहरी का टाइम हो चुका है तो अपन सहरी कर लेते हैं। और सहरी में हमारा चाय और पराठा और यहाँ पर पापा और सभी भाई यहाँ पर बहस कर रहे हैं
कि पापा को अम्मा रोटियां देती हैं और सभी लाई को गरम गरम पराठे, तो अब्बा के ना ये ना इंसाफी उनके साथ। पापा ऐसा क्यों, क्या हो गया? अच्छा आपका पराठा सभी लाई छीन लेते हैं, बता आप बता। अरे बाप रे बाप, क्यों भाई ऐसा बोलते हो पापा से कि पापा बर्थडे हो गए और तुम रोटी खा, आप रोटी खा हम पराठे खाएंगे। अरे यार सभी ले यार पापा तो पापा है। तो सहरी तो कर ली थी और फिर फजर की नमाज पढ़ने चले गए थे। पीछे हमारे रायल भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर घर के अंदर ही क्रिकेट खेलते रहते हैं। और अभी ना मेरा इंटरव्यू था, जॉब इंटरव्यू, तो अभी मैंने वही दे रहा था। अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो वो भी मैंने दे दिया है। आई होप वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मेरी जॉब लग जाए। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, और रमज़ान भी चल रहे हैं तो दुआएं इंशाल्लाह सबको मिलेंगी। अभी टाइम हो रहा है 1:45 और हम लोग जोहर की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और अब हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि बाहर जाके क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, तो घर पर ही हमने पूरा सेटअप करा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा विकेट, इसके ऊपर से भी अगर यहाँ तक अगर बॉल जाए तो भी आउट है। वहाँ से सामने से बॉलिंग करेंगे और अगर डायरेक्ट बॉल सोफे पे पड़ेगी तो चौका, और डायरेक्ट अगर बॉल यहाँ आएगी डायरेक्ट तो छक्का और कैच आउट है। और ये सभी लाई फोन चला रहा है हमारे, जो कि अभी हमारे कैमरामैन बनेंगे, और ये यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपन मैच स्टार्ट करते हैं। पहला मैच है मेरे और रायल के बीच में, है ना। ओ कैमरामैन उठो, कैमरा पकड़ो और चलो। मैं MS धोनी हूँ। तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? हाँ शक्ल देखी है अपनी। तो चलिए अपन मैच स्टार्ट करते हैं। टॉस करो रायल, हेड या टेल? हेड या टेल? देखो एक मतलब हेड, ठीक है, टेल मतलब दो, ठीक है, हेड या टेल? अरे भाई देखो, अरे यार करते ना, हेड या टेल? मुझे टेल, मैं टेल लोगे ना, देखो टेल ही होता है, हेड ही होता है। अगर हेड आया तो मेरी बैटिंग, टेल आया तो तुम्हारी बैटिंग, ठीक है। हेड आ गया तो मेरी बैटिंग, तो चलो बॉलिंग करो। मैंने रायल को बेवकूफ बना दिया। चलो बॉलिंग करो। इनिंग स्टार्ट हो गई, कम ऑन। और यहाँ पर फील्डिंग, वन टैप पर की। ओहो चौका, डायरेक्ट मैंने बोला था सोफे पे आएगी तो चौका। एक ओवर की है, एक ओवर की कितनी बॉल हो गई? तीन है ना, तीन चार बॉल। यार आउट ही नहीं, चौका हो गया भाई। देखो कितने हो गए, 8 रन हो गए। जो सबसे ज्यादा रन मारेगा वो जीतेगा भाई। और देखो वन टैप के बाद अगर मैंने कैच कर लिया तो आउट है। नहीं कोई आउट नहीं है भाई। चलो बॉलिंग करो जल्दी, 4 बॉल हो गई, ये 5 बॉल, वन टैप पर। चलो आखिरी बॉल, 6 बॉल। तो मेरे कितने, तो मेरे 8 रन हो चुके हैं और अब रायल भाई की बैटिंग है। तो अगर रायल भाई ने मुझसे ज्यादा रन मार दिए तो रायल भाई जीत जाएंगे, ठीक है रायल भाई, समझ लिया। 8 रन से ज्यादा रन मारना है। पहली बॉल भी छक्का मार दिया यार। कितने रन हो गए? तो 5 रन, मतलब 3 रन और चाहिए तो मुझसे जीतना था। ओरो 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 छक्का, यहाँ तो 2 छक्के मार दिए रायल ने, 2 बॉल में जीत गए मुझसे। चलो बाकी की बॉल कंप्लीट करना है। चौका, नाइस। देखो 3 बॉल हो गई ना, 2 बॉल में हरा दिया आपको। इसको कहते प्लेयर इंजर्ड स्ट्रेचर। यहाँ पर रायल भाई के कितने रन हुए? 3 छक्के 1 चौका, कितने हुए? 18 और 22। हाँ 22 रन हो गए, बता। और मैंने 4 बॉल में 22 रन। चलो और क्या, मैंने 2 बॉल में इनको हरा दिया। रायल भाई मैच जीत चुके हैं। रायल भाई के टोटल रन थे यहाँ पर 26+6 कितने हुए? 36। 6 बॉल में 36 रन। नाइस नाइस। 36 नहीं, 26 हुए थे, 32 वही तो मैं बोलूं, 6 बॉल में 6 छक्के तोड़ी ना मारा उसने।
नाइस। तो यहाँ पर रायल भाई विनर बन चुके हैं। अब रायल भाई को शाम को मिलेगी चॉकलेट इफ्तार के बाद, और वो भी 20 रुपए वाली नहीं, 40 वाली। ठीक है, ठीक है ना, ओके ओके। इनको दो में दो बॉल में हरा दिया मैंने। क्या बात है। तो यहाँ पर क्रिकेट मैच अपन ओवर करते हैं, और अगला मैच होगा अगले व्लॉग में मेरे और सभी भाई के बीच में। सभी आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? गजब बेइज्जती है। अबे तेरी तो। तो यार गाइस, ये डेट्स ऑफ फोटो है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे दोस्तों, बाय, प्यार से।